तो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पहला एग्जाम्पल है, फाइंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। देखो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर उसके सामने कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। तो आप कोई मर्जी फॉर्मूला लगा लें, मैंने अपने क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया है। पहला ये फॉर्मूला लगाया ऑल्टीट्यूड वाला, हाइट वाला, शॉर्टकट वाला, जी 9.8 है। और प्लीज यहां अप्रोक्सीमेट 10 मत लेना, ये चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है और ये वेरिएशन पढ़ रहा है। अगर तुम खुद ही जो पांचवा फैक्टर लगा लोगे, एक और वेरिएशन है, और स्टूडेंट की मर्जी, तो 9.8 की जगह 10 ले लेता है, फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। 9.8 का मतलब 9.8 ही लेना है इसमें। तो 9.8 वन माइनस टू इंटू एच गिवन है, आर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर यूनिट्स कैंसिल है। अप्रोक्सीमेट आंसर 8.5 आ गया। लेकिन अगर कोई ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, लंबे वाला फॉर्मूला, तो इसमें जब वैल्यूज को पुट करता है तो जी पता है 9.8, आर पता है, एच पता है, सॉल्व करके आंसर 8.6। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा इसमें यही लगाना। तो ये कब लगाऊंगा? देखो ये तो आप कभी भी लगा लो, इससे तो आंसर गलत आ ही नहीं सकता, पर इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो मैं आपको आज एंड ऑफ द लेक्चर में, आपको समझ में आएगा 15 मिनट में इन दोनों में से कब कौन सा लगाना है। पर अगर हाइट 200 किलोमीटर, 400, 500, 600 किलोमीटर है, आप ऊपर वाला लगा लें, कोई चक्कर नहीं है। पर अगर 1500 किलोमीटर हजारों में चल रही है, ऊपर वाला मत लगाएं, नीचे वाला लगाएं, सही आंसर आएगा। तो प्रैक्टिस से करवाऊंगा। अब जैसे हाइट बताओ, हाइट बताओ हम कितनी ऊपर चले गए जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई, 64% हो गई जी के, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी था, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी होगी, 64%। क्या 64% वैल्यू होना बड़ी बात है कि छोटी बात है, काफी वेरिएशन है कि कम है? बहुत है 64%। जी अगर मान लो 9.8 लेते हैं, उसका 64% कोई 0.1 0.2 मानो, फिर भी छोटा है। 64 बहुत बड़ी वैल्यू है। शॉर्टकट बिल्कुल ना लगाना, एक्चुअल मेथड लगाना। एक्चुअल मेथड में जी डैश को क्या लगाना, 64% ऑफ जी का मतलब 64 बाय 100 इनटू जी, जी से जी कैंसिल, अंडर रूट लेंगे, 8 बाय 10 आ जाएगा, सॉल्व करके हाइट आ जाएगी, ये मत लगाना। और मैं आपको एक और हिंट देता हूं कैसे पता लगता है। जब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा, 64% रह गई, 25% रह गई, 9% रह गई, 4% रह गई, अंडर रूट लेना आसान हो जाता है। 64 का अंडर रूट 8, 49% रह गई, 25% रह गई, तो इंडिकेशन है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपका अंडर रूट बड़े आसानी से आएगा। और अगर कुछ नई सी वैल्यू आ गई, फिर ऊपर वाला ही ठीक है भाई, फिर ये आपको आइडिया हो जाएगा, परसेंटेज देखते ही पता लगता है कि ये आंसर सही है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे नेक्स्ट, और वैसे भी देखो ना, आंसर आर बाय फोर आया। आर क्या होता है? अर्थ का 6400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऊपर जा चुके हो। सैटेलाइट 5-700 किलोमीटर पे चलती है, 1600 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। कोई 1 किलोमीटर ही बहुत बड़ी बात है हाइट पे जाना, 1600 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। ठीक, नेक्स्ट है वेट, सरफेस ऑफ अर्थ पे 250 न्यूटन है, एक्चुअल वेट है। मुझे कहाँ निकालना है? डेप्थ इंपॉर्टेंट, हाइट नहीं। अब फॉर्मूला किसका लगेगा? डेप्थ बढ़ी है, एक ही फॉर्मूला है। डेप्थ पे जाना है आर बाई टू पे, वेट क्या होगा डेप्थ पे जी का? ये फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला डेप्थ का, मास से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके ये डेप्थ पे वेट आ गया। एक्चुअल वेट कितना है? 250। एक्स की वैल्यू कितनी है? आर बाई टू, सॉल्व कर लिया, ये हाफ आ गया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 125 न्यूटन। ये अच्छा है, एक ही फॉर्मूला लगाओ। और ये जी डैश का फॉर्मूला अगर वेट में कैलकुलेट करना है, तो एम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये एक्चुअल वेट है और ये डेप्थ पे वेट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है डेप्थ 16 किलोमीटर पे, फिर से डेप्थ का फॉर्मूला, 16 किलोमीटर पे फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी। अब 16 किलोमीटर नीचे जाके जी चेंज हो जाएगा, तो वेट चेंज हो जाएगा, आपको परसेंटेज चेंज इन वेट निकालना है। डेप्थ पे ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में एक्स कितने? 16 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। तो यहां से सॉल्व करके जी नीचे आ गया, तो जी डैश बाय जी की रेशियो आ गई। 2 मिनट यहां निकाल के रख लो, मुझे निकालना क्या है?
परसेंटेज चेंज इन वेट, सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट था कितना एम जी, डेप्थ पे जाके नया वेट कितना हो गया एम जी डैश, तो ये क्या आ गया लॉस इन वेट हो गया, डेप्थ पे वेट कम हो जाता है तो लॉस इन वेट है, अपॉन एक्चुअल वेट तो लॉस इन वेट बाय एक्चुअल वेट को इनटू 100 को क्या बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन वेट, एम 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 कैंसिल तो ये रेशियो आ गई, जी बाय जी वन है, जी डैश बाय जी है, लेकिन जी डैश बाय जी मैं निकाल चुका, इस जी डैश बाय जी को 1 माइनस 16 बाय 64 100 को यहां पुट कर दिया, सॉल्व किया परसेंटेज चेंज आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो डेप्थ की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, लॉस इन वेट कैसे नहीं, मास तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो अपने को जी डैश और जी की रेशियो चाहिए जो इस फॉर्मूले से कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट ये नहीं करना, ये नेक्स्ट टाइम का काम है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप अर्थ की रोटेशन ओमेगा निकालो, बताओ क्या होगी, कहां पे इक्वेटर पे, जब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो गई, अब ये बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे लैटिट्यूड के फॉर्मूला लगाएं, लैटिट्यूड में लैम्डा क्या पुट करें जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, इक्वेटर पे जी आ गया, पर वो क्या कह रहा है इक्वेटर पे जी क्या लेना है जीरो, इसको उठा के क्या पुट कर दिया जीरो, तो ये टर्म आ गई, ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर आ गया, जी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया।